राजस्थान के भरतपुर में दो समुदायों के बीच पथराव के बाद तनाव फैल गया। भरतपुर के बुद्ध की हाट इलाके में दो समुदायों के बीच उस वक्त पथराव हुआ जब एक समुदाय के लोग डीजे बजाकर जश्न मना रहे थे। उसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने गोविंद नगरी में स्थित एक धार्मिक स्थल पर भी पथराव किया। इस पथराव में कुछ लोग जख्मी हुए हैं, बाइकों को नुकसान पहुंचा है। यह हंगामा करीब आधे घंटे तक होता रहा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पथराव पुरानी रंजिश को लेकर हुआ और जानकारी के मुताबिक सितंबर 2013 में बूथ की हाट में दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में उस समय पथराव में काफी नुकसान पहुंचा था। दोनों समुदाय की ओर से मथुरा गेट थाने में मामले भी दर्ज किए गए थे और इसके बाद अब हाल में ही एक गुट पर कोर्ट ने जुर्माना लगाकर उसे बरी कर दिया। अदालत के इसी फैसले के बाद एक समुदाय जश्न मना रहा था, पथराव शुरू हो गया। इसी बीच एक युवक ने गोविंद नगरी स्थित एक धार्मिक स्थल पर पथराव कर दिया। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों में आज देख सकते हैं कि कैसे युवक के सिर पर चोट आई है। अचानक हुए पथराव के बीच शुरुआत में किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती काफी लोगों को चोट लग चुकी थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।